गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोवेब आपका अपने मोवेब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो आपको मूवी दिखाने वाला हूं, उस मूवी का नाम द हाउलिंग है। इस मूवी को अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वेयरवुल्फ मूवीज में से एक माना जाता है। तो मूवी की शुरुआत जॉर्ज विग्नर के इंटरव्यू के साथ होती है, जो एनिमल और ह्यूमन के वॉयलेट बिहेव के बारे में बता रहा है। सीन केरन व्हाइट पर आता है, जो एक फोन बूथ में जाती है। यहाँ पर हमें एक स्माइल इमोजी भी दिखाया जाता है। केरन एक ट्रांसमिशन के जरिए क्रिस से बात करने लगती है। हमें क्रिस दिखाया जाता है, क्रिस के साथ और भी लोग होते हैं, तो चलिए इनका परिचय आपसे कराते हैं। टेरी, जो कि क्रिस की गर्लफ्रेंड होती है और केरन की बेस्ट फ्रेंड। बिल व्हाइट, जो कि केरन का हस्बैंड होता है। और बाकी के दो लोगों में से एक लेफ्टिनेंट सांतज होता है और दूसरा डिटेक्टिव क्लाइन होता है। टेरी क्रिस से पूछती है, तो कैसा चल रहा है? क्रिस कहता है, मैंने लास्ट 15 मिनट से केरन का एक भी वर्ड नहीं सुना। तभी फोन बूथ के फोन की रिंग बजती है। केरन उस फोन को अटेंड करती है। एडी नाम का एक व्यक्ति उसे अकेले में अपने पास मिलने को बुलाता है। टेरी और क्रिस को केरन की आवाज सुनाई देना बंद हो गई है, जिससे बिल काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये किस तरह का आधा अधूरा ऑपरेशन है। टेरी उसे शांत करती है। केरन एडी से मिलने जाती है। बिल और क्रिस के बीच बातचीत दिखाई जाती है। क्रिस बिल से कहता है, जिस एरिया में केरन है उसी एरिया में हमारे लोग भी है, जो उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। केरन एक एडल्ट वीडियो कैसेट बार में जाती है और एडी को ढूंढने लगती है। उसे एक स्माइल इमोजी मिलता है और वो उस रूम में चली जाती है। वो एक चेयर पर बैठती है। एडी, जो हमें दिखाया नहीं गया है, एक एडल्ट वीडियो कैसेट चलाता है। केरन कहती है, क्या मैं तुम्हें घूमकर देख सकती हूँ? एडी कहता है, अभी नहीं, और उसे वीडियो देखने को कहता है। दो पुलिसमैन केरन को खोज रहे हैं। उन्हें एक लेडी बताती है कि वो एक एडल्ट वीडियो कैसेट बार में गई है। जॉर्ज वेगनर टीवी चैनल पर अपनी बुक द गिफ्ट का प्रचार कर रहा है, जिससे टीवी चैनल का ओनर नाखुश होता है। एडी केरन को एक टीवी चैनल पर देखा करता था। केरन KDHB टीवी चैनल की न्यूज एंकर है। ये चैनल वही है जिस पर जॉर्ज अपना इंटरव्यू दे रहा है। आप एडी केरन को उसे देखने को कहता है। केरन घूमकर उसे देखने लगती है। हमें एडी की पहली झलक दिखाई जाती है, जिसे देखकर केरन घबरा जाती है। उस बार में वो दो पुलिसमैन भी आ जाते हैं। एडी केरन के साथ कुछ करने लगता है, जिसे केरन चिल्लाने लगती है। वो दो पुलिसमैन उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास आने लगते हैं। एक पुलिसमैन एडी पर गोलियां चला देता है। हमें रूम डोर के पास खून दिखाया जाता है। केरन रोने लगती है। वेल, एक ऑपरेशन था सीरियल किलर एडी को पकड़ने के लिए। ये ऑपरेशन पुलिस और KDHB न्यूज टीवी चैनल मिलकर कर रहा था। एडी लड़कियों की किलिंग करता था। एडी ने केरन को KDHB न्यूज टीवी चैनल पर देखकर उसे लगातार फोन करने लगता है। केरन इसकी जानकारी पुलिस को देती है और पुलिस इसे शहर में हो रही सीरियल किलिंग का एक लिंक मानती हुई KDHB न्यूज चैनल के साथ एडी को पकड़ने का एक प्लान बनाती है। केरन KDHB न्यूज चैनल में काम करती है और इस न्यूज से उसके चैनल की TRP कई गुना बढ़ सकती है, इसलिए केरन भी पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वेल, इस पूरी घटना से केरन को एक गहरा सदमा लगता है। उसे एडी और उस एडल्ट वीडियो के ड्रीम आने लगते हैं। टेरी और क्रिस एडी जहाँ रहता था वहाँ जाते हैं। ये दोनों एडी के रूम में जाते हैं। एडी का रूम पेपर कटिंग और ड्राइंग पेंटिंग से भरा हुआ है। टेरी को केरन की ड्राइंग मिलती है। क्रिस और टेरी उस ड्राइंग को देखकर उस रूम की छानबीन करने लगते हैं। क्रिस को भी एक ड्राइंग मिलती है। ये दोनों वे ड्राइंग जॉर्ज को दिखाते हैं। जॉर्ज उन ड्राइंग को देखकर कहता है, वे सब नॉर्मल है, एक किलर ऐसा कर सकता है, हो सकता है उसकी रुचि ड्राइंग बनाने में हो। हमें केरन और बिल दिखाए जाते हैं। केरन की लाइफ इस इंसिडेंट के कारण बदल जाती है। इसका प्रभाव केरन की मैरिड लाइफ पर भी पड़ता है। केरन अपनी थेरेपी डॉक्टर जॉर्ज वेगनर से कराती है। वेगनर उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है। केरन कहती है, मुझे उसके बारे में सही से कुछ याद नहीं है, मुझे उस इंसिडेंट के पीसेस में ड्रीम आते हैं। वेगनर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें एक या दो वीक के लिए कॉलोनी में जाना चाहिए, ताकि तुम खुद को रिफ्रेश कर सको। हमें बिल और केरन कॉलोनी जाते हुए दिखाए जाते हैं। वेल, इस कॉलोनी में कुछ नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, तो चलिए इनका एक एक करके आपसे परिचय कराते हैं। आरने, जो अपनी लाइफ से काफी दुखी है और लोगों का अटेंशन पाना चाहता है। जेरी, जिसे लोगों की मदद करने में मजा आता है। डोना, जो कि जेरी की वाइफ है और केरन की फैन भी। चार्ली, फनी मैन है, जो हमें फन कराता रहता है। मासा, जिसकी बिल पर बुरी नजर है, डोना उसे मैन ईटर कहती है। टीसी, मासा का भाई है, जिसकी बिल की वाइफ केरन पर बुरी नजर है, यानी कि भाई बहन दोनों की ही बुरी नजर है। सुबह के सीन में सैम को दिखाया जाता है, जो इस कॉलोनी का शेरिफ है। सैम डोना और केरन से कॉलोनी के बारे में कुछ बात करने लगता है, जो कि हमारे
हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। टेरी और क्रिस मोर्चुरी में एडी की डेड बॉडी देखने आए हैं। उन्हें एडी की बॉडी पर एक टैटू देखना है। कंपाउंडर उन्हें डेड बॉडी के पास ले जाता है, पर एडी की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। उन्हें डोर पर कुछ स्क्रेचेस भी देखने को मिलते हैं। बिल और बाकी के लोग जंगल में हंटिंग करने के लिए जाते हैं। टीसी भी उनके साथ होता है। सिम केरन पर आता है, जो डॉक्टर वेगनर से अपनी थेरेपी करा रही है। वेगनर उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है और कहता है, तुमने वहाँ क्या देखा? तुमने एडी को देखा? केरन घबरा कर कहती है, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने एडी को नहीं देखा। वेगनर उसे शांत रहने को कहता है। सिन कट होकर बिल पर आता है, जो एक खरगोश को हंट करता है। टेरी और क्रिस को एक बुक स्टोर में दिखाया जाता है। वेल यहाँ पर ये दोनों एडी और उसकी ड्रॉइंग्स, जो कि वेयरवुल्फ से काफी ज्यादा मिलती है, उसकी जानकारी जुटाने यहाँ पर आए हैं। उन्हें शक था कि एडी एक वेयरवुल्फ है और इसी शक को दूर करने के लिए वो यहाँ आए हैं। क्रिस टेरी से कहता है, हमें पता लगाना होगा कि फुल मून नाइट में एडी के हाथों कितनी लड़कियां मरी है। यहाँ का स्टोर मालिक कहता है, ये जो आपने कहा एक हॉलीवुड बकवास है, क्योंकि आपका एक क्लासिक वेयरवुल्फ कभी भी अपना आकार बदल सकता है, चाहे दिन हो या रात। इसीलिए उन्हें शेप शिफ्टर से कहा जाता है। टेरी पूछती है, क्या सिल्वर बुलेट्स उन्हें मार सकती है? स्टोर मालिक कहता है, हाँ बिल्कुल, दो ही ऐसी चीजें हैं जिनसे उनको रोका जा सकता है, एक सिल्वर और दूसरी आग। इनके अलावा उन्हें कुछ भी और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपको लगेगा कि आपने उन्हें मार दिया है, पर वो 3 दिन बाद फिर से नए जैसे अच्छे हो जाएंगे। हमें वहाँ पर सिल्वर बुलेट से भी दिखाई जाती है। बिल मरे हुए खरगोश को लेकर टीसी के पास आता है और पूछता है, तुम इनके साथ क्या करते हो? टीसी कहता है, हम इन्हें खाते हैं। बिल कहता है, अच्छा है, पर मैं मीट नहीं खाता। टीसी कहता है, हो सकता है आपके द्वारा शिकार किए गए खरगोश का मीट आपकी वाइफ को पसंद आए। बिल कहता है, हाँ ये तो मैंने सोचा नहीं। टीसी बिल को अपनी सिस्टर मासा के पास जाने को कहता है, क्योंकि मासा कुकिंग अच्छी करती है। वेल बिल उसकी बात को मानते हुए मासा के पास जाता है। मासा मीट काटकर बिल के पास आती है और उसे किस करने लगती है। बिल उसे अपने से दूर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। बिल केरन के पास जाने लगता है, तभी उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी एक भेड़िया आकर उस पर अटैक कर देता है। वो उसे अपने एक बाइट दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। बिल गिरते पड़ते हुए केरन के पास आ जाता है। केरन बिल की हालत देखकर घबरा जाती है। डॉक्टर जॉर्ज उसका ट्रीटमेंट करता है। केरन कहती है, मुझे घर जाना है। जॉर्ज उसे कहता है, मेरी मानो तो तुम अभी यहीं रहो, क्योंकि बिल की हालत गंभीर हो सकती है। हमें टेरी और क्रिस दिखाए जाते हैं। टेरी वेयरवुल्फ बुक देख रही है और क्रिस वेयरवुल्फ मूवी। तभी उनको केरन का फोन आता है। टेरी फोन अटेंड करती है। वेल केरन टेरी को अपने पास बुलाती है। क्रिस पूछता है, क्या हुआ? टेरी कहती है, बिल को एक भेड़िए ने काट लिया है। टेरी अपनी कार से केरन से मिलने आने लगती है। हमें टेरी और केरन के बीच मुलाकात दिखाई जाती है। सीन कट होता है। केरन टेरी से कहती है, वेल मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मासा ने बिल के साथ कुछ गलत किया है। टेरी कहती है, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। यहाँ पर बिल दिखाया जाता है, जो मीट खा रहा है जो उसे पहले पसंद नहीं था। रात के सीन में केरन को वापिस से एक ड्रीम आता है। इस बार इस ड्रीम में बिल भी होता है। इससे उसकी नींद टूट जाती है और वो जाग जाती है। वेल उसे बिल बेड पर नहीं मिलता। हमें बिल दिखाया जाता है, जो कहीं जा रहा है। मासा बिल के पास आती है और इन दोनों के बीच एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसी इंटीमेट सीन के दौरान बिल एक वेयरवुल्फ में बदलता है। मासा भी एक फीमेल वेयरवुल्फ में बदलती है और नाखूनों से बिल की पीठ पर स्क्रेच करती है। केरन का शक सही था, मासा ने बिल को एक वेयरवुल्फ बना दिया है। टेरी को भेड़ियों की हाउलिंग जगा देती है। टेरी भेड़ियों की हाउलिंग को रिकॉर्ड करती है। सुबह के सीन में टेरी को दिखाया जाता है, जो भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज सुन रही है। वो एक रिवर के किनारे पर है। टेरी वहाँ से जाने लगती है। तभी टेरी उस रिवर के किनारे को बड़े ध्यान से देखने लगती है और एडी की ड्रॉइंग से मिलाती है। ड्रॉइंग किनारे से मैच कर जाती है। ये देखकर टेरी हैरान थी। टेरी वहाँ से जाने लगती है। टेरी जंगल के रास्ते से जाने लगती है। टेरी को कुछ फील होता है और वो एक जगह पर जाती है, जहाँ पर एक घर है। हमें पता चलता है कि टेरी का कोई पीछा कर रहा है। टेरी उस घर के अंदर जाती है और उस घर को देखने लगती है और अपने कैमरे से उस घर की ड्रॉइंग्स और पिक्चर्स की फोटो लेने लगती है। इसी दौरान हमें स्माइल इमोजी भी दिखाया जाता है। वेल इसका मतलब यह घर एडी का है। टेरी स्माइल इमोजी वाले रूम में जाती है और फोटोज लेने लगती है। तभी उस रूम में कोई तेजी से आने लगता है। ये देखकर टेरी उस रूम से बाहर आ जाती है और डोर बंद कर देती है। वो चीज भी उस रूम में आ जाती है और डोर तोड़ने लगती है। वो डोर तोड़ देती है। टेरी खिड़की से बाहर आ जाती है और एक एक्स लेकर एक जगह पर छिप जाती है। वो चीज जो कि एक वेयरवुल्फ है उसे पकड़ लेता है, पर टेरी एक्स से उसका हाथ काट देती है। टेरी वहाँ से निकलकर जॉर्ज के क्लिनिक में जाती है और क्रिस को फोन करती है। केरन नींद से जाग जाती है। बिल उसके पास शर्ट लेने आता है। केरन की नजर बिल की पीठ के स्क्रेचेस पर पड़ती है और पूछती है, ये स्क्रेचेस कहाँ से आए? बिल कहता
शायद भेड़िया ने किए हो। केरन कहती है, पर उसने तुम्हारी पीठ पर कोई स्क्रेचेस नहीं थे। वेल, केरन मासा को लेकर बिल से बात करती है और कहती है, तुम उसके सास हुए हो। बिल गुस्से में केरन को एक थप्पड़ मार देता है। केरन कहती है, मैं डॉक्टर जॉर्ज के पास जा रही हूँ, वहाँ से मैं क्रिस को बुलाऊंगी जो टेरी को और मुझे यहाँ से ले जाएगा। टेरी कहती है, हमने जो एडी की ड्रॉइंग्स देखी थी वो रियल है, एडी एक वेयरवुल्फ है। क्रिस कहता है, पर ये कैसे हो सकता है। टेरी कहती है, मुझे लगता है डॉक्टर जॉर्ज वेगनर इन चीजों का एक हिस्सा है। क्रिस कहता है, क्या तुम फाइल कैबिनेट में हो। टेरी हाँ कर देती है। क्रिस उसे एडी की फाइल देखने को कहता है। टेरी फाइल से देखने लगती है, उसे एडी की फाइल मिल जाती है। तभी एक वेयरवुल्फ आकर उससे फाइल ले लेता है और उस पर अटैक कर देता है। टेरी उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, पर वेयरवुल्फ उसकी गर्दन पकड़ के उसे उठा लेता है और उसकी गर्दन को काट देता है। क्रिस बुक स्टोर से सिल्वर ब्लेड से लेकर टेरी के पास आने लगता है। किरण डॉक्टर के कैबिनेट में आ जाती है। कैबिनेट की हालत देखकर वो हैरान थी। तभी उसे टेरी की डेड बॉडी मिलती है। वो ये देखकर घबरा जाती है और फोन करने लगती है। तभी उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। किरण ने सुनकर पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वहाँ पर एडी आ जाता है। यहाँ पर हम एडी को अच्छे से देख सकते हैं। एडी कहता है, किरण मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें अकेले में मिलने बुलाया, पर तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और ये कहकर एडी वेयरवुल्फ बनने लगता है। यहाँ पर हमें मैन टू वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, जो लगभग 4 मिनट का होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, ये अपने समय का एक बेस्ट वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। केरन एसिड की बोतल लेकर उस एसिड को एडी के ऊपर फेंक देती है, जिससे एडी जलने लगता है। केरन वहाँ से भाग जाती है। एडी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। क्रिस टेरी के पास कार से आने लगता है। केरन कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जेरी और चार्ली आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों उसे एक फार्म पर ले जाते हैं। यहाँ पर आर्ने, मासा और बाकी के कॉलोनी मेंबर मौजूद हैं। उस जगह पर जॉर्ज और डोना भी आते हैं। केरन जॉर्ज को देखकर उससे गले मिलती है, पर जॉर्ज उसे अपने से दूर कर देता है। वेल, यहाँ पर इस मूवी का एक मेन फैक्ट रिवील होता है कि इस कॉलोनी के सभी मेंबर वेयरवुल्फ हैं और डॉक्टर जॉर्ज ने उनको बाकी की दुनिया से छिपाकर यहाँ रखा है। वो उन्हें इंसानी दुनिया में रहने के लिए ट्रेन कर रहा है। जॉर्ज की बुक द गिफ्ट उन्हें बताती है कि उनको किस तरह से रहना है और खुद को किस तरह से कंट्रोल करना है। लेकिन अब ये वेयरवुल्फ जॉर्ज की बातों को मानने से इनकार करने लगते हैं। अब वो कॉलोनी को अपने तौर तरीकों से चलाना चाहते हैं। क्रिस कॉलोनी में आ जाता है। केरन भागने लगती है, पर टीसी उसे डोर पर मिलता है, जिसका हाथ कटा हुआ है। वेल, टीसी का हाथ किसने काटा कमेंट सेक्शन में बताइए। जेरी उसे पकड़ लेता है। जॉर्ज कहता है, मैंने तुम लोगों को जो सिखाया क्या वो सब तुम भूल गए। वो आगे कहता है, मैं तुम्हें केरन को मारने नहीं दूंगा। तभी मासा उसे अपना एक पंजा मार देती है और चार्ली उसे बंदूक से मार कर दूर कर देता है। क्रिस जॉर्ज के कैबिनेट में आ जाता है। उसे कैबिनेट की हालत अच्छी नहीं मिलती। वेल, उसके पास राइफल भी है। तभी एडी आकर उससे उसकी राइफल ले लेता है। क्रिस कहता है, एडी तुम, टेरी कहाँ है। एडी कहता है, तुम मुझे जानते हो पर मैं नहीं, और तुम्हारी टेरी आराम कर रही है। एडी उसे उसकी राइफल दे देता है और उसे शूट करने को कहता है। एडी वेयरवुल्फ बनने लगता है। क्रिस उस पर सिल्वर की गोलियां चला देता है, जिससे एडी की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ करो। चार्ली केरन को मारने की पूरी प्लानिंग बताता है। क्योंकि केरन एक जानी मानी न्यूज एंकर है, इसीलिए उसकी मृत्यु एक दुर्घटना लगनी चाहिए। टीसी और जेरी उसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है। टीसी भी ओवर कॉन्फिडेंट में है और इसीलिए वो भी क्रिस के हाथों मारा जाता है। ये देखकर बाकी के वेयरवुल्फ चौंक जाते हैं। क्रिस कहता है, मेरे पास सिल्वर की गोलियां हैं। जेरी भी ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार होता है और वो भी क्रिस के हाथों जीजस को प्राप्त हो जाता है। जॉर्ज क्रिस के पास आने लगता है। क्रिस उसे करीब आने से मना करता है, पर डॉक्टर जॉर्ज उसकी बात नहीं मानता और वो भी क्रिस के हाथों सिल्वर की गोलियां खाकर मर जाता है। क्रिस बाकी के वेयरवुल्फ को राइफल के दम पर उस फार्म के अंदर बंद कर देता है और उस फार्म का डोर लॉक कर देता है और उसके चारों तरफ पेट्रोल डालकर उस फार्म को जला देता है। फार्म के अंदर से वेयरवुल्फ चिल्लाने लगते हैं। फार्म पूरी तरह से जलने लगता है। क्रिस और केरन वहां से निकल कर और कार में बैठ कर जाने लगते हैं। तभी एक वेयरवुल्फ उनकी कार पर अटैक कर देता है। क्रिस राइफल से उसे शूट कर देता है और कार लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उन्हें सामने सेम मिलता है, वो भी एक वेयरवुल्फ है और राइफल से उनकी कार पर अटैक कर देता है। क्रिस उसे अपनी राइफल से शूट कर देता है और केरन को लेकर उसकी कार में जाने लगता है। तभी क्रिस की कार में एक जोरदार धमाका होता है। ये दोनों सेम की कार के अंदर बैठ जाते हैं। क्रिस कार स्टार्ट करने लगता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तभी वहां पर वेयरवुल्फ आ जाते हैं, जो कार को घेर लेते हैं। एक वेयरवुल्फ कार के सामने वाली कांच विंडो
तोड़कर अंदर आने लगता है, पर तभी क्रिस उसे राइफल से शूट कर देता है और कार स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगता है। तभी एक दूसरा वेयरवुल्फ कार की पिछली वाली कांच विंडो तोड़कर अंदर आ जाता है और केरन को काट लेता है। गलती से राइफल की गोली चल जाती है जो वेयरवुल्फ को लगती है और वो मर जाता है। हमें पता चलता है कि वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि बिल है। केरन ये देख कर रोने लगती है। केरन कहती है, हमें लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि वेयरवुल्फ होते हैं। केरन हमें न्यूज टीवी चैनल पर दिखाई जाती है। वो कहती है, हमारे बीच सीक्रेट सोसाइटी मौजूद है। वे ना तो इंसान है और ना ही जानवर, लेकिन वो इन दोनों का मिश्रण है। टीवी चैनल का ओनर इस शो को बंद करने को कहता है, पर क्रिस उन्हें ऐसा करने से रोकता है। केरन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि वेयरवुल्फ होते हैं, लाइव टीवी चैनल पर वेयरवुल्फ में बदलती है। हमें लोगों का रिएक्शन भी दिखाया जाता है। क्रिस राइफल लाकर केरन को शूट कर देता है। ओनर इसे बंद करने को कहता है और शो बंद कर दिया जाता है। हमें एक बार में इस शो के बारे में बात करते हुए लोगों को दिखाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्पेशल इफेक्ट के कारण वो लेडी एक वेयरवुल्फ बनी और कुछ लोग इसे रियल मानते हैं। इस बार में हमें माशा भी दिखाई जाती है और माशा के दिखाने के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी के और भी पार्ट्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे।